तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं छेड़ताल पार्ट 3। तो दोस्तों, हम जहाँ पर ये खड़े हैं, यहाँ पर है सूर्य चंद्रमा नाम है इस गांव का। और अभी जहाँ पर आए हम, ये देखो छेड़ताल पहुँच चुके हैं। ये छेड़ताल है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी लोग आ रखे हैं यहाँ पर अभी घूमने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सुसाइड पॉइंट भी है शायद। यहाँ पर देखो इतना ऊपर है, अभी जाना नहीं है, यहाँ काफी नीचे काफी गहरा है। और देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई सुसाइड कहते हैं, यहाँ पर सुसाइड पॉइंट है, अगर ऊपर से कूद मारेगा तो भाई मरना निश्चित है, क्योंकि बहुत यहाँ से कम दिख रहा है। हम काफी दूरी पे हैं, तो काफी दूर पे हम, आपको पता ही है। तो भाई मिले हैं, तो भाई, तो भैया आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है? पहले हिमांशु भाई है, आप क्या करते हो यहाँ? अच्छा, एचएम कर रखा था। तो यहाँ थोड़ा पूरा बात तो बताओ। तो ये गांव का नाम आपने सूर्य चंद्रमा बताया, ये सूर्य चंद्रमा ही जगह का नाम है? जगह का नाम सूर्य चंद्रमा है? अरे वाह, छीड़ छीड़ तो ये हुआ। अच्छा, छीड़ छीड़ इसका नाम हुआ, सूर्य चंद्रमा हुई यहाँ पे। तो ये लगभग कितनी फीट होगी आपके हिसाब से? पता नहीं यार, कितना है कुछ आइडिया नहीं है। तो आप जा चुके हो वहाँ पहले? बहुत बार, कितनी बार नहाया। अच्छा, यहाँ से सूर्य चंद्र, तो जब पानी आता था, इसमें पानी कितना बढ़ जाता होगा? ज्यादा नहीं होती, गिरती दो धारी है इसमें, दो धारी गिरती, फिर भी डाउन है ना पूरा। हाँ, तो गाइस भैया मिले, भैया ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि सुसाइड पॉइंट भी है शायद यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ से भी एक तगड़ा पॉइंट है, पॉइंट है वो, आप झरना देख सकते हो, काफी अच्छी है। वाओ, तो यहाँ पर फोटो वोटो खिंचाना, साइड से फोटो खिंचा सकते हो, वहाँ जाना मुश्किल हो सकता है। जब पानी आता है, झरना आता है, तो कितना पानी आता है यहाँ पर, ताली नहीं दिखती, इतना खतरनाक हो जाता है यहाँ पर। और देखो, देखने वालों की भीड़ देख सकते हो आप, काफी लोग हैं यहाँ पर, सब प्रभावित हो चुके हैं यहाँ देखे। और ये झरना जो है काफी मस्त झरना है, बेस्ट है। सूर्य चंद्रमा नाम है इस जगह का, और झील का नाम है छीड़ताल। तो छीड़ताल है, तो काफी आपने देख सका, छीड़ताल है, काफी अच्छी ताल है, यहाँ पर देख सकते हो, घूम सकते हो। लेकिन वहां नहीं जाना है, बरसातों के टाइम पे काफी दिक्कत है। और यहाँ से तो बिल्कुल नहीं जाना है, जाना है तो ऊपर से रास्ता है, वहां से घूम के आना है, घूम के आगे यहाँ से रास्ता है, तब तुम साइड में आ सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो, अदरवाइज नहीं जाना है दोस्तों। तो ये मानसो भाई ने हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिलहाल जाने वाले जाते हैं, पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ऊपर से रास्ता है ना, ऊपर से, हाँ, वो जो पत्थर नहीं दिख रहे। हाँ, मुझे, मैं समझ गया, रास्ता समझ गया मैं, तो यहाँ पे आना है, ये उधर से घूम के रास्ता कह रहा हूँ। नहीं, तैरना नहीं आता है तो कह रहे हो, तैरना आता तो साइड से तैर सकता है। आज तो भाई गर्मी दूर करेंगे, साइड से नहाएंगे, जरा देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर, चेक करो, ये भाई ने कम से कम 80-90 फोटो ले लिया, 80-90 वीडियो बना चुके हैं भाई, फिर भी मन नहीं भर रहा है इनका, सलमान खान को फील करने पर तुले पड़े हैं भाई। वापस सही वाला, ये वाला, वाओ यार, क्या झरना आ रही है भाई, और चेक करो गाइस, तो यहाँ के जंगल देख सकते हो काफी बढ़िया है। और यहाँ पर जो चीज है ना, यहाँ मतलब आदमी रेस्ट कर सकता है, और रेस्ट करने के साथ साथ ये भाई लोगों ने इतना अच्छा बना रखा है, सूर्य चंद्रमा नाम है, और यहाँ पर कुछ अपना खाने पीने का बना सकते हैं, लाके अपने बर्तन अपने जो भी है। देखो, किसी बंदों ने तो रॉयल स्ट्रीट की यहाँ बोतल की ठगे भी फेंक रखे हैं, और ये देखो यहाँ पर ये लगा रखा है खाना आना बनाने के लिए। और नीचे देख सकते हो यहाँ पर ऐसा सीन है, यहाँ जंगलों का पूरा, ये बीच जंगलों के बीच में, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बस बीच में स्तंभ बना रखा है रहने के लिए छोटा सा। और ये है यहाँ पर सीधे छीड़ताल आ जाती है। तो भाई कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत बढ़िया, मैं आज पहली बार आया इधर, अच्छा लग रहा है। तो एक भाई भी हमारी तरह पहली बार आया, यही भाई खो गए थे, इनके साथ एक और थे, इनको ढूंढते ढूंढते हम भी खो गए थे, हम रास्ता भटक गए थे, रास्ता सही आए थे मेरे ख्याल से। तो देख सकते हो भाई ने अपने थोड़े पोज ले लिए थोड़े बढ़िया करके, और फोटो शोटो शूट कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज बताना भूल गया, देखो ऐसे दारू पी के यहाँ नहीं आना है, पूरा खतरा, दारू पी के नहीं आना। आप चेक कर सकते हो, दारू पी के ये लोग आते हैं, खाना आना खाते, दारू वारू पीते हैं, काफी लोग यहाँ पर मतलब सुसाइड भी कर चुके हैं यहाँ, और पीने के बाद तो यहाँ आना नहीं है, और ना यहाँ आके पीना है। यहाँ पियो तो कोल्ड ड्रिंक पियो, और जो कुछ खाना पीने के लिए आप जाके, दारू वारू ऐसे नशे वाली चीज़ें ना पीनी है, इस चक्कर से कोई दिक्कत भी हो सकती है। देखो हम कितनी छोटी छोटी चीज़ें लेके आए, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, ये देखो, चेक करो गाइस, थोड़ा इस चीज़ें ख्याल रखो, दारू पी के ना आए, काफ़ी खतरनाक चीज़ है, काफ़ी गहरी खाई है, खाई आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, बहुत दूर है, ये भाई लोग मना कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो अभी जा नहीं सकते हम, तो यहीं से दिखा रहे हैं आपको। तो
तो गाइस चेक करो, और दारू पी के बिल्कुल नहीं आना है, नशा करके नहीं आना है, विदाउट नशे के आना है, क्योंकि यहाँ जगह अगर पैर फिसला तो भाई नीचे गए, खाई है पूरी, ऐसी जगह पे छीड़ नाम है इसका, ये छीड़ है पूरी, तो ये देख सकते हो छीड़। तो गाइस चेक करो, और गाइस पूरा सपोर्ट करो भाई को, भाई इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाता है आप लोगों के लिए, तो भाई सपोर्ट करो पूरा। तो दोस्तों चेक करो, यहाँ पर भाई लोग और आ चुके हैं, ये भाई लोग, क्या नाम है भाई आपका? अक्षय। आपका नाम? गोकुल भाई। और भाई भी आ रहे हैं यहाँ पर, काफी लोग आ गए, देखो अब तो बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। क्या नाम है भाई आपका? ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज है। धीरज भाई, और आपका? बिलसन। और आपका? ओके, तो गाइस ये देखो काफी, अब तो काफी लॉन्डो की भीड़ हो चुकी है गाइस। तो दोस्तों एक बार जय श्री राम। ये तो गाइस देखो, सब लोग यहाँ पर छीड़ की ताल पर देखना है, यहाँ का नाम है सूर्य चंद्रमा, इस सूर्य चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। देखो काफी लोग हो चुके हैं यहाँ पर अब, और ये भाई देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब भी वीडियो बना रहे, सब वीडियो बना रहे गाइस, ये देखो सब उन्हीं को देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा की जगह है ये, नाम है सूर्य चंद्रमा, और छीड़ के ताल का नाम है, जो ताल देख रहे हो आप काफी तगड़ी ताल है, और मन तो कर रहा है सबका तैरने का मेरे ख्याल से, सब तैरा गए लेकिन काफी दूर है, जाना मुश्किल है यहाँ पर। दोस्तों ये देखो मैं हूँ ये अमित भाई, और अब हम जा रहे हैं छीड़ पे शूट करने, ज्यादा कुछ करना नहीं, खाली शूट करना हमें, ज्यादा कुछ करना नहीं, तो काफी लोग 8-10 लोग जा चुके, तो हमारी भी थोड़ी बहुत हिम्मत बन चुकी शूट करने की, क्योंकि हमने शूट करके थोड़ा दिखाना है। तो गाइस आप देख सकते हो, ये देखो छीड़, तो गाइस ये रहा छीड़, और हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते से, अब यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता आपको दिखाते कैसा रास्ता। तो गाइस ये रास्ता है, काफी खतरनाक रास्ता है भाई ये, तो आप चेक करो गाइस, ये झरना है और ये रास्ता गाइस, और इस रास्ते से हम जा रहे हैं, और ये पाइप लाइन गई हुई है, काफी तगड़ी मोटी है, देखो पाइप लाइन गई हुई है, और इसी रास्ते से जाना है हमने अभी, बाकी का आपको हम वहीं जाके दिखाएंगे, ज़्यादा देर हम ऐसे ब्लॉगिंग बना नहीं सकते। और ये भाई आगे चल रहा है हेलमेट लेके। तो दोस्तों आपने रास्ता तो देख ही लिया होगा कैसा है, और शायद ही आपको मतलब ये रास्ता अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, चाहो तो आप आ सकते हैं पूरा नीचे तक घूम सकते हैं, काफ़ी मस्त जगह है घूमने के लिए, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, रोड से पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा, जी हाँ, और बाकी बहुत ही बढ़िया जगह है, आउटस्टैंडिंग जगह है, ऐसी जगह उत्तराखंड में कई कम जगहों में देखने को मिलती है, इतनी प्यारी जगह और ऐसी जगह। बाकी आप आपको दिखा दें, हम झरने के पास पहुंचने वाले हैं, बस 10-5 मिनट और लगेंगे शायद, तो मिलते हैं झरने के पास। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 4 पर, आई होप आपको ये पार्ट काफी अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।